नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जिसे कंपनी को एक बहुत बड़ी डील प्राप्त हुई और इस डील के बाद कंपनी के शेयर के प्राइस में एक बहुत बड़ा जंप देखने मिला, एक बहुत बड़ी तेजी देखने मिला है। ये शेयर आपको मैंने पहले भी बताया था, इस शेयर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये शेयर है हमारा डिक्सन टेक्नोलॉजी। दोस्तों काफी बेहतरीन शेयर है और ये जो जब से हमारा आत्मनिर्भर भारत की बात आया है और जब भी हम ये बातें करते हैं तो ये कंपनी सबसे टॉप पे आती है। और ये कंपनी करती क्या है तो सेटअप बॉक्स बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है। तो इसी में जो कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी है इसका टाइप हुआ है बोट के साथ। बोट जो हमारा क्या बनाती है, जो हम हेडफोन यूज करते हैं तो वो ऑडियो हेडफोन बनाती है जो आप मोबाइल में यूज कर सकते हैं, लैपटॉप में यूज कर सकते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी रैलीज ऑन टाइप विथ बोट फॉर मेकिंग वायरलेस स्पीकर। तो वायरलेस स्पीकर के लिए मतलब डिक्सन टेक्नोलॉजी जो अब डिवाइस तैयार करेगी बोट कंपनी के लिए, जिसके कारण शेयर में 15% की तेजी देखने मिला। दोस्तों ये 14,000 का शेयर और उसमें 15% की तेजी, इतना बड़ा शेयर मतलब इतने बड़े शेयर प्राइस का शेयर और उसमें 15% की तेजी देखने मिला। तो समझ सकते हैं ये काफ़ी बेहतरीन न्यूज है। और इस न्यूज के बाद आप समझ सकते हैं ये कितनी अच्छी कंपनी है। और ये कंपनी लोकेटेड है नोएडा उत्तर प्रदेश में, जो कि काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। आप इसके वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं ये कंपनी क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है। किसी भी कंपनी का वेबसाइट उस कंपनी के बारे में जो है डिटेल में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के सबसे बेहतरीन सोर्स होता है। तो आप यहाँ पर कंपनी के वेबसाइट dixoninfo.com पर विजिट कर सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पर विजिट करेंगे तो जैसे आप होम पेज खोलेंगे तो यहाँ पर नीचे आना है, आपको कंपनी के बारे में ब्रीफ में देखने मिलेगा। और यहाँ पर हम नीचे चलते हैं तो कंपनी के बारे में जो डिटेल में आप देखेंगे तो डिक्सन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और ये किससे रिलेटेड, तो जो डिजाइन फोकस सॉल्यूशन होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट, होम अप्लायंसेस, लाइटिंग, मोबाइल फोन से रिलेटेड, सिक्योरिटी डिवाइस से रिलेटेड, उस सारी डिवाइस को मैन्युफैक्चर करती है। साथ साथ LED TV, सेटअप बॉक्स, तो यहाँ पर देखिए जो सेटअप बॉक्स है वो भी मैन्युफैक्चर करती है, मोबाइल फोन्स भी। ये सारी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हम घर में यूज करते हैं उसे मैन्युफैक्चर करती है। तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इस कंपनी का, क्योंकि जो हम मोबाइल फोन्स का बिजनेस है इंडिया का काफ़ी बड़ा बिजनेस है। और जब से हम चाइना की कंपनी बायकॉट चाइना कर रहे हैं तो इसके लिए और ज़्यादा मार्केट जो शेयर है बढ़ जाएगा इस कंपनी का, क्योंकि अभी मात्र कुछ ही परसेंट मार्केट शेयर है इस कंपनी का। और जैसे जैसे ये मार्केट कैप्चर करती है, जैसे जैसे इसके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ती है, इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो जैसे प्रॉफिट होगा तो उसका सीधा मतलब बेनिफिट्स किसको होगा, शेयर होल्डर को। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। और आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ आपको मेन्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पर डिक्सन एक्सटे ग्लेंस। और यहाँ पर आप डिवीजन पर जब इसे क्लिक करेंगे तो देख लीजिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन प्रोडक्ट बनाती है आप वो देख सकते हैं, होम अप्लायंस में कौन सी प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, लाइटिंग सॉल्यूशन रिलेटेड कौन सी, मोबाइल फोन से रिलेटेड कौन सी प्रोडक्ट बनाती है, सिक्योरिटी सर्विस लॉन्च सिस्टम इससे रिलेटेड कौन सी प्रोडक्ट बनाती है आप देख सकते हैं, रिजर्व लॉजिस्टिक यहाँ पर आप जाकर के ये मतलब इतने सारे जो है प्रोडक्ट बनाती है, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी बनाती है, सेटअप बॉक्स भी बनाती है। तो ये सारे प्रोडक्ट है और सारे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करके आप वहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट है जो डिक्सन टेक्नोलॉजी तैयार करती है। और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मेन्यू खुल जाएगा, होम अप्लायंस पे आप क्लिक कर सकते हैं, फिर यहाँ मोबाइल फोन्स पे क्लिक कर सकते हैं। उसी तरह से आप जो सेटअप बॉक्स तैयार करती है तो सेटअप बॉक्स पर आप क्लिक करके, साथ ही साथ ये मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ रिपेयर भी करती है, मतलब आपका जो भी खराब होता है जैसे सेटअप बॉक्स में DTH का बॉक्स खराब हुआ तो आप यहाँ पर रिपेयर भी करा सकते हैं। तो सर्विस भी प्रोवाइड करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है, तो दोनों डिवीजन है इस कंपनी के पास। तो चलिए अब हम शेयर प्राइस को डिस्कस करेंगे, क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली आपको किस प्राइस पे आपको एंट्री करना चाहिए, क्या आपका स्टॉप लॉस होगा और क्या टारगेट होगा, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं screener.in पर, सबसे बेहतरीन सोर्स है अगर आप रेडीमेड फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं किसी भी कंपनी का, यहाँ पर आप screener.in पर आ सकते हैं। यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे आप सर्च करेंगे सर्च बॉक्स में आपको यहाँ पर इसका मार्केट कैप देख जाएगा, 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक
मिड कैप कंपनी है। अभी ये स्मॉल कैप से मिड कैप कंपनी बनी है क्योंकि इसका शेयर जो है 5 times हो चुका है। तो समझ जाइए ये कंपनी एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी थी जहां से इसका शेयर प्राइस में 5 times का जंप देखने मिला और ये कंपनी बन गई एक मिड कैप साइज कंपनी। अभी भी काफी ग्रोथ पोटेंशियल है इस कंपनी में। अगर शेयर प्राइस की बात करें तो 2900 इसका इस साल का सबसे लोवेस्ट प्राइस था और इसका हाईएस्ट प्राइस यहाँ पर आप इसका हाईएस्ट प्राइस देखेंगे तो ये 15,000 हो चुका है। ये आपका प्रीवियस डे का प्राइस है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं आज का जो प्राइस है वो 15,000 हो चुका है जो कि आपको हम दिखाएंगे चार्ट पर। और स्टॉक का पी की बात करें तो स्टॉक का पी 160 को क्रॉस कर चुका है जबकि इंडस्ट्री का पी मात्र 60 के आसपास है। अर्निंग पर शेयर देखिएगा 93 rupees का है। रिजर्व कंपनी के पास 584 crore का है तो रिजर्व कंपनी के पास अच्छा खासा है। डेट कंपनी के ऊपर 89 करोड़ का है जबकि डेट से ज़्यादा कंपनी का नेट एनुअल प्रॉफिट है। मतलब एक साल का जो प्रॉफिट है कंपनी का नेट वो है 108 करोड़ का। और शेयर की बात करें प्रमोटर्स के पास सिर्फ 36% शेयर है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 34 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 26 है तो काफ़ी अच्छा है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 है और कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। तो ये कुल ओवरऑल अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। थोड़ा सा डेट है तो डेट मामूली सा डेट है क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मेकर कंपनी है। और साथ ही साथ अब आप देख रहे हैं कि जो बोट के साथ इसका जो डील हुआ है ये डील काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है इस कंपनी को। जो बोट है हमारा लीडिंग सेलर है, जो ऑडियो स्पीकर है हमारा ऑडियो स्पीकर का लीडिंग सेलर है और ऐसी बड़ी कंपनियों के साथ इसका जब टाइप हुआ है, जब डील हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा डिक्सन टेक्नोलॉजी को इस डील का। दोस्तों जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर देखते हैं आज काफ़ी ज़्यादा तेज है। यहाँ पर आज कंपनी का जो करेंट प्राइस है, जो क्लोजिंग प्राइस है वो 15,652 rupees है और ये अपना हाई बनाया था लगभग 16,000 का, लगभग 16,000 का ये हाई बनाया था। वहाँ से थोड़ा सा मतलब करेक्शन देखने मिला और यहाँ पर ज़बरदस्त ब्रेकआउट ये देखते पिछले 3-4 दिनों से दिया है तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने मिला इस शेयर में। और अभी इसमें आप मतलब करेक्शन का उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी जो न्यूज़ है वो कंपनी के काफ़ी फेवर में है। कभी भी इसमें करेक्शन आता है तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करने के लिए सोचें। तो करेक्शन पे जब भी मिलता है तो आपको ये इसमें बाय करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और ये कंपनी आपको मैं लगभग जब 3000 का था, 4000 का था उसी समय से सजेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखते हैं ये गिरावट में, इस समय भी हमने आपको वीडियो बना के बताया था लगभग ये जब 3500 का था उस समय से इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जैसे हम बायकॉट चाइना प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे हम ये बात करते रहेंगे, जैसे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की बात करें इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जो मोबाइल फोन्स है, सेटअप बॉक्स है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है इस सेक्टर में, क्योंकि इस सेक्टर में जो चाइनीज प्रोडक्ट था काफ़ी सस्ते मूल्य पर प्राप्त था जिससे कंज्यूमर उसकी तरफ काफ़ी आकर्षित होते थे। जब चाइनीज प्रोडक्ट बैन होगा उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाएगी तो वो प्रोडक्ट महंगा होगा तो लोग अच्छे प्रोडक्ट बाय करेंगे अच्छे प्राइस में, तो अच्छे प्राइस में जो महंगे प्राइस है उसमें चाइनीज प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे बल्कि हमारे जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है वो मार्केट ज़्यादा सेल होगा, उसका सीधा बेनिफिट होगा डिक्सन टेक्नोलॉजी का। और टेक्निकल चार्ट पे ये काफ़ी सॉलिड दिख रही कंपनी, पहले इसका टेक्निकल चार्ट काफ़ी वीक हुआ करता था लेकिन जब से ये बायकॉट चाइना और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की बात हुआ है तो काफ़ी मतलब तेज़ी देखने मिला है इस प्राइस में। नहीं तो यहाँ पर आप देखते हैं कंपनी का शेयर प्राइस जो है पहले काफ़ी ज़्यादा देखते हैं यहाँ पर गिरावट हो रहा था। जब आप 2019 देखेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 4000 से गिर करके 2000 rupees पे आ चुका था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये स्टॉक जो है हर गिरावट में बाय है, जब भी आपको गिरावट मिले तो आपको बाय ऑन डिप्स करना है और ये कंपनी आपको आगे चल करके बोनस शेयर भी दे सकती है, स्टॉक स्प्लिट भी कर सकता है क्योंकि इस कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी हाई हो चुका है। तो जो छोटे इन्वेस्टर है उसको अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी शेयर के प्राइस को अगर कम करना चाहते हैं तो स्टॉक स्प्लिट ला सकती है, बोनस शेयर आपको इश्यू कर सकती है। बोनस शेयर इश्यू करेगा तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बात होगा क्योंकि बोनस शेयर इश्यू से आपका जो नंबर ऑफ शेयर है काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चाहे वह पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।